ऐलान हुआ है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री जी पटियाला में आएंगे शंभू मोर्चे से 11 बजे, जो चंडीगढ़ पटियाला को जा रहा रूट है उधर आगे बढ़ेंगे, उनको जथा बनाकर सवाल करने के लिए जाएंगे। दूसरा सरहंद रोड जो है वहां से भी किसान पटियाला की ओर बड़ा जथा बनाकर जाएंगे। तीसरा जो संगरूर से आता हुआ रोड है वहां पर से भी किसान पटियाला की ओर सवाल करने के लिए बढ़ेंगे। और चौथा जो खनौरी बॉर्डर है वहां से भी किसान बड़ा जथा पटियाला की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी को सवाल करने के लिए आगे बढ़ेगा। ये कार्यक्रम है, हम लोग शंभू मोर्चे पे 11 बजे इकट्ठे होके आगे जाएंगे। दूसरा जो कल चारों बॉर्डरों के ऊपर लाखों का इकट्ठ हुआ, इसके लिए सारी जनता का धन्यवाद करते हैं। और कल ही अमृतसर की ओर जाती हुई एक बस, जो दोनों मोर्चों ने कार्यक्रम किया था, एक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की बस थी जो रैया अमृतसर के नज़दीक है उधर जाके पलट गई है। उनमें से 32 जख्मी हुए हैं, 9 गंभीर रूप पर जख्मी हुए हैं, 3 आदमियों के शरीर के अंग बाजू काटने पड़े हैं। दोनों मोर्चे मांग कर रहे हैं कि उनका संपूर्ण इलाज केंद्र अथवा पंजाब सरकार करवाए, और जो गंभीर जख्मी हैं उनका 3 लाख और जो साधारण जख्मी हैं उनको 1 लाख की मदद मिलनी चाहिए। और आने वाले समय में जलंधर या गुरदासपुर पठानकोट में जब 24 का कार्यक्रम होगा माननीय प्रधानमंत्री का, वहां पर भी हम इस तरह से सवाल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और हम आज चाहेंगे कि जो पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो आज उनका फर्ज बनता है कि देश के 80 करोड़ किसान अथवा खेत मजदूरों को जवाब जरूर दें, जो हम सवाल करेंगे कि हमें दिल्ली जाके प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया। और जो नेशनल हाईवे है, चाहे शंभू है, खनौरी है, डबवाली है, रतनपुरा, वहाँ पर दीवारें सड़कों पर बनाकर हमें क्यों रोका गया, और जिस तरह से हमारे ऊपर जबर किया गया, यहाँ रबड़ की गोलियाँ, बुलेट, SLR की चली, 12 बोर की चली, हंजू गैस जिस तरह से ड्रोनों से हमारे ऊपर चलाए गए, उनका जवाबर शहीद शुभकर्ण जी को क्यों शहीद किया गया, लखीमपुर खीरी का इंसाफ क्यों नहीं मिला, उनको टिकट क्यों दी गई। इसी के साथ साथ MSP लीगल गारंटी कानून, भारत नरेगा, भारत WTO से बाहर आए, नरेगा का 200 दिन का रोजगार, 700 रुपया दिहाड़ी, और किसान मजदूर का कर्ज खत्म करने की मांगों के ऊपर हम सवाल करेंगे। ये हमारा आज का कार्यक्रम होगा। शंभू बॉर्डर तो दोवां मोर्चिया वालों जिवें ऐलान किया सी भी मान चुके प्रधानमंत्री जी पंजाब च फेरी च आ रहे ने, आपां वड्डे जथे बना के उन्हां नूं सवाल कर जावांगे। अज शंभू बॉर्डर दे उत्तों 11 बजे वड्डा किसानां दा जथा इकट्ठा हो के चंडीगढ़ जिहड़ा पटियाला रूट आ राजपुरे तों अगले बने उत्तों आपां उधर नूं अगे वधांगे। और इहदे नाल नाल सरहंद रोड तों भी जथा उधर नूं जाऊगा, एक संगरूर वाले पासों जथा जिहड़ा पटियाले वल नूं सवाल करन मानयोग प्रधानमंत्री नूं पहुंचूगा, और एक जथा खनौरी बॉर्डर तों किसानां दा वड्डा प्रधानमंत्री जी नूं पटियाले वाले पासे सवाल करन वाले पासे जाऊगा। इसे तरीके नाल 24 नूं चाहे जलंधर होवे चाहे गुरदासपुर होवे, इस तरह जथे बना के सवाल करन आपां जावांगे। और दूसरा कल जिहड़ी इन्नी वड्डी गिनती विच संगत आई आ, दोवें फोरमां वल्लों सारी जनता दा धन्नवाद कीता जावा, जां लंगरां दी सेवा होर सेवा जिन्हां ने भी निभाई उहनां दा धन्नवाद हैगा। और कल वापसी दे वेले एक बस जिहड़ी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी नाल संबंधित सीगी ਉਹ ਰਈਏ ਨਾਲੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਗਭਗ 32 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, 9 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ 3 ਲੱਖ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਅਥਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰੀ, ਬੁਲਟ SLR, 12 ਬੋਰ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ, ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।